गाइस, मैं खुशरो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। साले के प्यार में पड़कर पत्नी और बेटी की कर दी हत्या और पुलिस के सामने मासूम बनके रोया बहुत ज्यादा। चलिए जानते हैं आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। और उसी के साथ हम आप लोगों को ये भी चीज बता दें कि भाजपा विधायक के साथ भी जुड़ा हुआ है ये कहीं ना कहीं मामला, क्योंकि उनके प्रेशर की वजह से इन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया गया है। पूरी अपडेट के बारे में आपको बताते हैं कि आखिरकार ये हत्याकांड का पूरा मामला क्या है, आरोपी ने कैसे किस तरीके से इसको अंजाम दिया। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस, ये जो पूरा मामला हमारे सामने उत्तर प्रदेश के प्रज्ञा राज से आ रहा है, जहां पर भाजपा विधायक के घर के पास एक घर में एक्चुअली में डबल मर्डर केस हो गया, यानी कि वहां पर पति ने पत्नी को मार दिया और अपनी बेटी को भी मार दिया। इसका पूरा जो कि अपडेट है वो ये है कि पत्नी के साथ 9 साल से 10 साल पहले उसने लव मैरिज की थी, उसके बाद अचानक से उनकी लाइफ में एक लड़की आई, यानी कि उसी की पत्नी की बहन साली से हो गया था इस पति को प्यार, जिसके कारण वो पति इतना ज्यादा उसके प्यार में पागल हुआ कि उसने इस हत्या को अंजाम दे दिया। और अंजाम देने के बाद उनका ये पर्दाफाश उनकी कॉल रिकॉर्ड से हुआ, जब विधायक ने बोला कि ये जो सुर्खियों में बनता हुआ जा रहा है केस, जल्द से जल्द एक्चुअली में इसको सॉल्व किया जाए। उस पति के जो कॉल रिकॉर्ड है वो खंगाले गए, तो वहां पर एक जो रिकॉर्डिंग है वो सामने निकल के आई, जो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यानी कि अपनी साली के साथ कर रहा था। पहले हम आपको ये चीज बता दें कि वो बहुत ज्यादा रो रहा था, उसने ये चीज बोला कि उसकी पति और उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या कौन कर गया उसको पता नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि उसने अंजाम कैसे दिया। घर के अंदर पहले तो उसने मारा, पीटा और उनका कत्ल कर दिया, और उसके बाद साफ कपड़े पहनने के बाद वो इधर उधर देखने के बाद कि किसी ने देखा तो नहीं है, वो गंगा नहाने के लिए चला गया। नहा के आया और नहा के आने के बाद सब मार्केट गया, सब्जी तरकारी सब चीज लिए, नॉर्मल बिहेव किया, वापस आया घर पे, अपनी पत्नी को जैसे कि उसने मारा ही नहीं है कोई और मार के चला गया, उनको देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया, पुलिस को खुद कॉल किया, पड़ोसियों को बुला लिया, रोने लग गया बहुत ज्यादा। और जब पुलिस वालों ने जब उसके कॉल रिकॉर्ड खंगाले तब पता चला कि आखिरकार कातिल वो ही है। उस दौरान ही उसको पकड़ लिया गया, जब उनसे पूछताछ की गई और उनकी गर्लफ्रेंड से जब पूछताछ की गई, अभी बोला जा रहा है कि उनको जेल के सुलाखों के पीछे भेज दिया गया है। एक मौका होता है डिवोर्स लेने का, ले सकता है कोई, ऐसे किसी का हक कैसे बनता है किसी की जिंदगी तबाह करने का, अपनी बच्ची की जिंदगी तबाह करने का। ऐसे जो राक्षस है तो मुझे तो लगता है कि उनको दुनिया में इस धरती के ऊपर रहने के लिए उनका जो बोझ है वो धरती भी नहीं उठाना चाहिए। आपका क्या विचार है जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।